फुल गमले च सुक जांदे उत्तों जेड़े हसदे ने विचू रो रो मुक जांदे। आप पर को परचे शर्चे भी हैं? परचे सरकार 7-8 परचे जेलां में कई बार गए हैं। की होता है जेलां में होता है? छितरी ने जी जिधर जेलां में कई होता है कोई जाज होता है छितरी ने जिधर जाओ तो रूपम लाई है जेड़ा हर बंदा पंजाब नहीं सकदा हजम नहीं होता कईयां नु। जिंदगी जिंदा दिली का नाम है मुर्दा दिल खाक जिया करते हैं। नाजरीन मेरे साथ आज एक जिंदा दिल नौजवान मौजूद है जिसका नाम मलक शानी है। हर वक्त काला लिबास जेबे तन किया होता है, शादी हो घर हो बाहर हो जिधर भी जाना हो लिबास काला है, खूबसूरत आवाज़ है, इसके पीछे बहुत सारी कहानियाँ हैं। एक इनका गाना मशहूर हुआ बिगड़ गई है थोड़े दिन आतों, वो गाना सबने सुना लेकिन उसके पीछे कहानी क्या है वो किसी को नहीं मालूम। आज वो कहानी मालूम करने के लिए हम मलक शानी की गाराएं हैं, उसी की जुबानी आपको सुनवाते हैं कि ये बिगड़ गई किसके साथ बिगड़ी और इसके पीछे असल कहानी क्या है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मलक साहब कैसे हैं? जी शान है जी अल्लाह। जनाब ये बिगड़ गई इसके पीछे कहानी क्या है, वाकई किसी के साथ बिगड़ी या वैसे आपने बोला? देखो जी सरकार 2022 आ गया हूँ सवर गई न्यू ईयर है तो साढ़ा भी जिले भी सवर गई पले रवि है। अच्छा। पिछले साल पूरे बिगड़ गई रही है। अच्छा। उस तू 5 साल पहले भी बिगड़ गई रही है। अच्छा। हूँ सवर गई है तो बाकी साइया की ताज अलबास सरकार काला कपड़ा तुम पूछा कि यार वे पाए ये 24 घंटे मैं काला जरा लिबास अपना पाई रखना है ये मैं साइया की ता है तो अली अली करने वाला जिते किरे मैं नज़र आता मेरा 5 किलो होने वास जाता जल तक के काला काले कपड़े पाए हो सन तो मेरा होने वास जाता तक के बाकी गल है जिंदगी मामलात ने अली अली खुल के करते हैं। अली अली पूरा नमाज शमाज भी पढ़ते हैं? नमाज भी पढ़ लीजिए। मलिक साहब पहला कौन सा दिन था जब आपने पहला गाया बिगड़ गई है थोड़े दिन, तो आपको कब महसूस हुआ कि मैं बोल सकता हूँ? बैठे हुए थे इस तरह कज़न दोस्त यार बैठे हुए थे तो बिगड़ गई मैंने सुनाया तो वो एक ने रिकॉर्ड करके तो नेट पर चढ़ा दिया तो वो ऐसा वायरल हुआ कि धूम मच गई। कभी मोहब्बत हुई? मोहब्बत ना कर अमीरों से दिल दुखा देते हैं, मोहब्बत का राम जैसे गरीबों से ये दिल से प्यार करते हैं, ना मिलती तेज हवाएं ना गिरते फूल बारों के, ना तुम परदेसी होते ना बिछड़ते अपने यारों से। मोहब्बत है रहेगी और है भी है, हाँ ये नहीं छूट सकती। किससे? बस है बताना जरूरी नहीं। लड़की छिड़की जरूर टंगवाना जी मनु इसके बाद ज्यादा लड़कियां हैं तो बात चक्कर ही को नहीं आया जी ना लड़कियां छिड़कियां वाला। अच्छा हां बिल्कुल शादी हो गई है सरकार दस्या भाई ऊंठे दे इथों मेरी बरात गई नाल वाला पिंड ते बाकी ऊंठे जानी शानी जानी जी गई है कोई मैं बग्गी शगी लैमोजीन नहीं मंगवाया मैं ऊंठे ड्रोन डराए ने। अच्छा मैं साहब कभी दिल टूटा है? दिल सरकार ना पूछे ये आपने लिबास पहना हुआ है बड़े मवालियों वाला मलंगों वाला आपने लिबास पहना हुआ है। एक जो फनकार होते हैं वो तो बड़े शान शौकत गाड़ी वाड़ी ये वो सिक्योरिटी गार्ड वो जिस तरह जाते हैं उनको ट्रीट भी वैसे होता है, आप जिस तरह जाते हैं आपको ट्रीट कैसे होता है? बस मेरी संगत जिंदाबाद है, मौला इनकी जिंदगियां करे, मैं जिधर जाता हूँ प्यार बांटते हैं आगे आए होते हैं सारे दोस्त यार, वो हर चीज़ लेके आ जाते हैं प्रोटोकॉल पूरे का पूरा प्रोटोकॉल जैसा मैं चाहता हूँ वैसा प्रोटोकॉल दे देते हैं। बस संगत के लिए हम भी आए हुए हैं दुनिया में, मलंग टक्कर जाते हैं मलाई लोग होते हैं मैं देख के फिर खुश होता रहता हूँ उन्हें। अच्छा बस। अच्छा दूसरे जो फनकार हैं वो तो बड़े पैसे लेते हैं लोगों के पास जाने के, आप कितने पैसे लेते हैं? मैं कोई नहीं जनाब पैसे ऐसे नहीं लेता, पहले ही मैंने बताया कि जनाब मैं डिमांड करूँ तो फोत क्यों जाती है इनकी डिमांड किसे के करनी है था? डिमांड वाली को नहीं गल है, प्यार पी जाएँ तो अच्छा प्यार कर देते हैं जिधर जाएँ, 100 में से 2 के पास जाना होता है लेकिन वो कसर नहीं छोड़ते, हर तरह का प्रोटोकॉल हो जाता है। खुश हो जाते हैं? पूरा खुश। अभी तक बनाया क्या है? कोई बिल्डिंग शिल्डिंगे को ऐसा मामला बैंक अकाउंट सिस्टम दोस्ती यारी कमाई है जी गल सीधिया ने 2.5 लाख तो है नहीं है दोस्ती यारी है बस यही कमाई है सब दोस्ती यारी कमानी सरकार कोई ना कोई तो दन्नी है ना माड़ा चंगा इतना तो है ही है बाकी दोस्ती यारी पहले है। अच्छा। अब आप कैसे लेके चल रहे हैं सारे मामले? मामला छोटा भाई जब का दुनिया से गया तो वो मज़े नहीं रहे वो मौजें नहीं रहीं, किसी को बुलाएं वो आते हैं तपले बाजे वाले मुंह मांगे पैसे भी देते हैं लेकिन कुछ ताल सुर उनकी मेरे साथ नहीं टैच होती, पतीले वाला वो ही था एक, उसके बाद पतीला भी नहीं कोई बजा सका तो बस निज़ाम चला हुआ है जिधर तक चलता है चलाए रखेंगे। आपको सबसे अच्छा कब लगता है? मुझे सबसे अच्छा जब ये बड़ी गाड़ियों वाले मुझे देख के नारा मारते हैं और आते हैं पास सेल्फी लेते हैं फ़ोटो होती है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है और
बहुत अपने आप को मैं अच्छा फील करता हूँ कि और हाथ उठा के मौला का शुक्र अदा करता हूँ कि माँ बाप की दुआएं और मौला का आसान है मुझ पे। जेड़े कहंदे सी मरां दे नाल तेरे अज उन्हां वी बाजियां हारियां ने जड़े तरस दे सन जीद नू दिन राती ओ आज उन्हां वी बारियां मारियां नी ए जद चमन विच हिजाने वाल कोले पंची उड़ गए मार उडारियां नी ओ यारा एता जूठा जग सारा ओ अल्लाह नबी दियां सचियां यारियां नी। पहले की जिंदगी में और अब की जिंदगी में क्या फर्क है? बहुत फर्क है। पहले एक आम जे ना तिना जे ना तेरा जे उन जरा सारे हैं बीचे इतने जी अब उन सारे हैं बीचे कैसा लगता है? सोना दाद है। अच्छा ही हाँ तो सर आप ही सारे में जो को कर देना भी सुखी रखे आजे नहीं का आराले भी सुखी ने बहुत सही ना हूँ बस छड़ छड़ियाँ सारियाँ बस अपनी लहर बच्च रवि जदों का तन त्या लिबास आ गए ना सारे ड्रामे टोपी ड्रामे छड़ छड़े ने हूँ पग पा ली टोपी ला हेडी ड्रामे टोपी ला दी हूँ पग सच्ची पाई पग सची सची पक्की पग है जी सची। इस तू इलावा भी काम करते हो? इस तू इलावा जेड़ा कोई आखे कर रही है काम कोई छड़ी दा कोनी मजदूरी कर दी हाँ मजदूरी शुरी कोनी सरकार करी दी पहला जदों दा काम आया उसने फिर सारे बीच आ जाने ने काम हाँ जी कोनी और को काम करी दा कदी इस तरह भी होया होवे कि तुहानू बड़ी बड़ी दूरों लोग लभण आए होवण और लभ के उन्होंने बड़ा हैरत अंगेज तुहाडे नाल बब्बा दा इजहार कीता होवे? जा अपना अपना प्यार है जी सारे अपना अपना प्यार करे जाओ तो कोई जनाब खिला के पहला पाँच दस मिनट रेस्ट मारते रहते हैं कि जो साड़ा वैर है इसलिए गुजरात नाल कि जाओ तो अपना अपना प्यार बढ़ते हैं कोई फुल इतने की पा छड़न दे कि जनाब मूँह ही नहीं नजर आता इतना कि फुल गुलाब का पै जाता कभी महक नहीं मुकती फुलों में फुल सुकते जाते किसी कदर ना पाया प्यार का दिल टुटद्या टुटद्या टुट जाते कोई माहौल नहीं जगते रिश्तों का छुटद्या छुटद्या छुट जाते कभी प्यार नहीं मुकता दिलों में सह मुकते मुकते मुक जाते फुल गमले सुक जाते उत्तों जड़े हसते हैं बिचू रो रो मुक जाते तो भाई दे जान नाल दस्या नडाल हो गए ढेर सारे फुल गमले च सुक जांदे फुल गमले च सुक जांदे उत्तों जेड़े हसदे ने विचों रो रो मुक जांदे है उत्तों जेड़े हसदे ने विचों रो रो मुक जांदे कन्नी मुंदरी पाई रखसां कन्नी मुंदरी पाई रखसां आप जलील हो सां तेरी इज्जत बनाई रखसां। आम तौर पर लोगों में यह समझा जाता है कि इस तरह का लिबास वही बंदा पहनता है जो मोहब्बत में हार जाता है जो कि वही बंदा बन जाता है जिसको ठोकरे लग जाती है। आपके पीछे कहानी क्या है? मेरे देखें मेरी लैंड जरा और तरह किसी दोस्त यारों ने बताया किसी बुजुर्ग दरवेश ने भी बताया कि पुत्र तेरी लैंड कोई और है फकीरी लैंड तेरी तो तू तेरा अपना माहौल जरा जरा है ना वो ही अपना रख तो फिर जो फिर लिबास पहने फिर कुछ यार से जहाँ कुछ जिते काम भी होए ना कि उन्हें आख्या कि शानी यार वाकई तेरी लैंड हो रही तो तू किस लैंड च प्या रहे हाँ जी साड़ी जरा और तरह फकीरी दरवेशी लैंड मलंगी मलाई लैंड है हाँ जी हाँ जी कभी घुटन नहीं मलाई को घुटन नहीं होती। अच्छा हाँ जी कभी तंग आए इस जिंदगी से? नहीं ये तंग क्या होना है सब लहर बहर है कभी दिल बर्दाश्त हुए ना जी कभी नहीं हुए। अच्छा हाँ जी मौजू मौजू में है बस भाई के जाने से थोड़ी कमी है उसकी बाकी सब वैसे का वैसे ही हाँ जी। एक हमारे नादिन को सुनाया था ना बिगड़ गई चन जी मुखड़ा नजर नहीं होंदा चन जी मुखड़ा नजर नहीं होंदा रुत सुर मैये थोड़े दिन तू बिगड़ गई है थोड़े दिन तू बिगड़ गई ने बड़ी पहचान कराई है जी बिगड़ गई जबकि सुनाई है दुनिया में आगे हुए हैं सच आपको सच्ची बात बताएं तो जिधर कहीं जाते हैं कोई शानी वही हो तुझे ने बिगड़ गई सुनाई है किसी ने वही है जनाब तो फिर मौजा हो जाती है ना फिर आगे हमारे लिए वो समझे कि सब कुछ ही है हमारी अच्छा। मौजे इसने लगा दी हुई है आप पर कोई पर्चे शर्चे भी हैं? पर्चे सरकार 7-8 पर्चे अच्छा जा
ਤੇ ਬਾਕੀ ਇੱਕ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਬਾਕੀਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਮਾਫ਼ੀ ਲੱਭ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਤੇਰਾ ਵੀ ਪੈਣ ਨਿੱਕੇ ਮੋਟੇ ਹੋਇਆ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਪਰਚੇ? ਬਸ ਇਹ 11 ਸੱਜਣਾਂ ਨੇ ਲੰਘਾਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਅਤੇ ਮੈਂ 11 ਸੱਜਣਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਆਖਾਂਗਾ ਕਿ ਛੱਡ ਦਿਓ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ, ਇਹ ਬੰਦੂਕਾਂ ਛੁੱਕਾਂ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਮੇਰੀ ਫਾਇਰਿੰਗਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਬੰਦੂਕਾਂ ਦੇ ਸਟੇਟਸ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਾਢੇ ਪਏ ਨੇ ਅਤੇ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਗਏ ਹਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝ। ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ? ਛਿੱਤਰ ਹੀ ਨੇ ਜੀ, ਜਿੱਧਰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਗਏ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਆਜ਼ਾਦ, ਉੱਥੇ ਛਿੱਤਰ ਹੀ ਨੇ, ਜਿੱਧਰ ਜਾਓ ਉੱਧਰ ਚੰਗਾ ਕੰਮ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾੜੇ ਕੰਮ ਉੱਥੇ ਛਿੱਤਰ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾ। ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਛਿੱਤਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚੋ ਜਾ। ਪਹਿਲੇ ਆਪੇ ਕਿਤਨੀ ਐਫ ਆਈ ਆਰ ਥੀ? 8। ਨਾਵੀਂ ਕੈਸੇ ਹੋਈ? ਨਾਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਆ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹਮ ਕੋਲ, ਅਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਨਾਕੇ ਲੱਗੇ ਹੁਣ ਅਤੇ ਨਾਕੇ ਮੁੱਕ ਗਏ ਨੇ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਵਾਂ ਪਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹਾਂ ਜੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਦਿਓ, ਅਤੇ ਤਲਾਸ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਮੈਂ ਤਲਾਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ, ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣ ਦੀ ਸ਼ਾਨੀ ਨਾ ਮੇਰਾ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਆਈ ਡੀ ਕਾਰਡ ਲਿਆਓ ਜੀ, ਆਈ ਡੀ ਕਾਰਡ ਸਿਵਲ ਲਾਈਨ ਥਾਣੇ ਮਾਰਿਓ ਨਾ, ਅਤੇ 8 ਮੇਰੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਪਰਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨਿਕਲ ਆਏ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਾਵਾਂ ਵੀ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਂਝਾ ਰਾਜ਼ੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾਵਾਂ ਵੀ ਦੇ ਲਓ, 8 ਅੱਗੇ ਲੈ ਨਾਵਾਂ ਵੀ। ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਿਕਲੀ? ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੀ ਹੈ, ਰੂਪ ਮਲਾਈ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਬੰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਹਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਹੈ ਜੀ, ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਸਕਦੇ ਹੈ, ਬਸ ਫਿਰ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਹੱਥ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪੈਗਾਮ ਦੇ? ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਕੇ ਪੈਗਾਮ ਦੇਣਾ, ਗੁਜਰਾਤ ਕੋਈ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਇੱਕ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ ਰੱਬ ਨੇ ਇਤਨੀ ਇੱਜ਼ਤ ਇਤਨਾ ਵਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਹੈ, ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹੀ ਆਖਣਾ ਕਿ ਅਲੀ ਅਲੀ ਕਰਨ, ਸੁੱਚੇ ਦਿਲ ਪੱਕੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਅਲੀ ਅਲੀ ਕਰਨ, ਅਤੇ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਭੈੜੇ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਰਕੇ ਤੱਕੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਚ ਹੈ। ਮੋਮਣ ਹੋ ਜਾਣ ਵੇਲੇ ਕੋਲ, ਵਕਤ ਬੜਾ ਡਾਢਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਲੜਾਈਆਂ ਰਹੀਆਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਰੇਸ ਦੇ ਕੇ ਅੱਗੇ ਲੰਘੋ ਤਾਂ ਪਿਛਲਾ ਬ੍ਰੈਸਟ ਗਾਰਡ ਮਾਰਦਾ ਅੱਗੇ ਕਿਉਂ ਲੰਘਿਆ, ਤਾਂ ਆਦਮੀ ਦੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹਦੀ ਕੋਈ ਇੱਜ਼ਤਾਂ 'ਤੇ ਲੜਾਈਆਂ ਰਹੀਆਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਨਿੱਕੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਫੇਸਬੁੱਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਛੱਡ ਛੱਡ ਕੇ ਅਤੇ ਅਲੀ ਅਲੀ ਸੱਚੇ ਪੱਕੇ ਹੋ ਕੇ ਕਰਨ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਰੱਬ ਜੇ ਇੱਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਅਲੀ ਅਲੀ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਸੱਚੇ ਪੱਕੇ ਦਿਲ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਤਾਂ ਉਂਝ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਬੜੀਆਂ ਨੇ। ਆਪ ਕਿਆ ਸੁਣਾਏਂਗੇ ਆਖਰੀ ਜਾਤੇ ਹੋਵੇ? ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਇਹ ਪੁਰਦਰਦ ਕਹਾਣੀ ਜਿਵੇਂ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਦੀ ਬਰਸਾਤ ਹੈ, ਕਮ ਉਮਰੀ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਕ ਹੋਇਆ ਲੱਗੀ ਇਹ ਜੀ ਇਸ਼ਕ ਦੀ ਚਾਟ ਹੈ, ਪਤਾ ਜੇ ਮੇਰਾ ਮਲੂਮ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਪਿੰਡ ਕੁਲਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਗੁਜਰਾਤ ਹੈ, ਸ਼ਾਨੀ ਸ਼ਾਨੀ ਲੋਕ ਨਾ ਸਦੀਂਦੇ ਨਾ ਸਿੱਧਾ ਅਰਸਲਾਨ ਹਯਾਤ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਗ ਜਿੰਦਾ ਦਾ ਮੇਲਾ, ਜਿੰਦੇ ਰਹੋ ਬਾਦ ਰਹੋ ਹੈਰ ਹੋਵੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਇਹ ਜੀ ਕਹਾਣੀ ਅਰਸਲਾਨ ਉਰਫ ਸ਼ਾਨੀ ਕੀ, ਕੈਸੇ ਯੇ ਲਿਬਾਸ ਜ਼ੇਬੇ ਤਨ ਕੀਆ, ਇਸ ਲਿਬਾਸ ਜ਼ੇਬੇ ਤਨ ਕਰਨੇ ਕੇ ਬਾਅਦ ਕਿਆ ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਪੜਤਾ ਹੈ ਔਰ ਕਿਆ ਛੋੜਨਾ ਪੜਤਾ ਹੈ, ਅਬ ਕੈਸੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰ ਰਹੇ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਮੁਕਾਮ ਤੱਕ ਕੈਸੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਛ ਚਾਂਦੀ ਨੇ ਬਤਾ ਦਿਆ, ਸਭ ਕੁਛ ਚਾਂਦੀ ਨੇ ਬਤਾ ਦਿਆ। ਅਗਰ ਆਪਕੋ ਇਹ ਇੰਟਰਵਿਊ ਅੱਛਾ ਲਗੇ ਤੋ ਇਸਕੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਜੀਏ। ਕਮਰਾਨ ਭੱਟ ਕੋ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਅੱਲਾ ਨੇ ਕੇ ਬਾਅਦ।